गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और ये वॉकअप का तीसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं फाइनेंशियल से रिलेटेड, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ, जो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं जो शेयर करना चाहता हूँ लोगों तक पहुंचेगा, ये मेरा है। और मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, तो आप दोस्त समझना। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेडल, मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, आप डायग्राम में देख रहे हो, ये डायग्राम में देख ही रहे हो कि ये जो लड़का है, ये दो तो, ये जो प्राइम मिनिस्टर तो बात कर रहे हो, बीच में हस्तक्षेप कर रहा है। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ यू से समवन मेडल इन समथिंग, यू आर क्रिटिसाइजिंग द फैक्ट दैट दे ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस चेंज विदाउट द बीइंग आस्क। मतलब किसी को भी हस्तक्षेप करना और बिना पूछे कोई काम करना। ठीक है, शी टोल्ड मी नॉट टू मेडल, मतलब मुझे हस्तक्षेप मत करना, इसने मतलब लड़की ने कहा। आपको ये समझ में आ गया होगा। मैन्यूवर मतलब होता है युक्ति चाल से। मैन्यूवर से सीधे आप ये कैट से आप याद कर सकते हो, एक डायलॉग भी बहुत चलता है, क्लेवर कैट। ठीक है ना, तो मैन्यूवर का मतलब ही होता है चालाक, चतुर व्यक्ति। मैन्यूवर इज समथिंग क्लेवर। देखो मतलब क्लेवर का मतलब ये इसका सिनोनिम ही है। दिस चालाक का मतलब ये नहीं होता है, चालाक का मतलब ये भी होता है जैसे कोई चालाक किसी कोई काम कर दिया, कोई व्यक्ति नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट ने भी किया, उसको मैन्यूवर बोल सकते हैं। जैसे दिस कार मैन्यूवर वेल एट द हाई स्पीड, मतलब ये कार बहुत ही मतलब कुशलता से काम करती है हाई स्पीड पे। अगला वर्ड देखते हैं हम, डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। अभी न्यूज में बहुत ही चल रहा था तो डिप्लॉय वर्ड लिया है, और ये इसका मतलब होता है तैनात करना। और डिप्लॉयमेंट मतलब होता है तैनाती। ठीक है, डिप्लॉय एक वर्ब है और डिप्लॉयमेंट एक नाउन है। आप एक चीज से याद कर सकते हो, जो वर्ड आई से कनेक्ट हो जाए, जैसे आई जो वर्ड माई से कनेक्ट हो जाए तो वो नाउन होता है, जैसे माई डिप्लॉयमेंट होता है, माई डिप्लॉय नहीं होता है। और तो नाउन को पहचानने के लिए एक अच्छा तरीका है, जो वर्ड आई से माई से कनेक्ट हो जाए, सॉरी आई बार बार ध्यान में आ रहा है, माई से कनेक्ट हो जाए, माई डिप्लॉयमेंट, माई प्रेजेंटेशन, तो वो जनरली नाउन होते हैं। तो टू डिप्लॉय ट्रॉप और रिसोर्सेज मीन टू ऑर्गेनाइज और पोजिशन देम टू सो देट दे आर रेडी टू यूज, मतलब उसको तैनात करना। आप देख सकते हो द डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्स्ट्रा फोर्सेस, मतलब ये तैनात हो रही है। अगला वर्ड होता है स्टीयर। स्टीयर मतलब आपने देखा होगा, मार दिखाना होता है। और जनरली ये वर्ड क्यों, ये पेपरों में क्यों होता है, स्टीयर का मतलब ये भी होता है घुमाना। ठीक है, पर मार दिखाने का मतलब ये होता है किसी चीज को गाइडेंस देना या डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको मूव करना। जैसे ठीक है, ये डायग्राम से समझ सकते हो, इफ यू स्टीयर समवन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन यू गाइड देम देयर, मतलब तुम उसको रास्ता दिखा रहे हो। I steered him toward the door. मैंने उसको दरवाजे तरफ रास्ता दिखाया। अगला वर्ड होता है इवॉल्व। इवॉल्व मतलब होता है विकसित होना। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, हम जैसे पुराने जमाने में ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, अब रोबोट तरफ जा रहे हैं। तो विकसित होना, वेन द एनिमल एंड प्लांट इवॉल्व दे गेजुअली चेंजेस एंड डेवलप इन टू डिफरेंट फॉर्म। ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हो कि डिफरेंट फॉर्म में चेंज भी हो रहा है। पॉपुलर म्यूजिक इवॉल्व फ्रॉम द फ्लोक डांस, मतलब जो हमारे पॉपुलर म्यूजिक है जैसे हनी सिंह आते हैं, ये सब आते हैं, वो कहाँ से बने हुए हैं, फ्लोक डांस, हमारे ट्रेडिशनल चीजों से ही कहीं ना कहीं निकले हुए हैं। तो आई होप ये समझ में आपका आ गया होगा। पहला वर्ड मैंने देख लिया था मेडल, मेडल मतलब हस्तक्षेप करना। दूसरा हुआ था मैनोवर, मैनोवर मतलब युक्ति चाल से, आप क्लेवर किट से याद कर सकते हो। अगला वर्ड मैंने लिया था डिप्लॉय। डिप्लॉय मतलब होता तैनाती करना, डिप्लॉयमेंट मतलब तैनाती। अगला वर्ड लिया था मैंने स्टीयर, स्टीयर मतलब मार्ग दिखाना, गाइडेंस करना। और लास्ट वर्ड मैंने लिया था इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मतलब होता है विकसित करना, किसी एक फॉर्म से ग्रेजुअली चेंज होकर सेकंड फॉर्म में बदलना। अब मैं फ्रेजल पर आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। होल्ड बैक मतलब होता है टू रिटेन समवन पोजिशन, मतलब कोई भी पोजिशन को बनाए रखना होल्ड बैक होता है। अगली वर्ड में लेता हूँ होल्ड डाउन। होल्ड डाउन टू प्रिवेंट टू लिमिटेड, ये दोनों वर्ड लगभग एक ही जैसे, होल्ड डाउन और होल्ड ऑन, मतलब किसी चीज को मतलब पकड़े रखना, जैसे टू मेंटेन वंस ग्रिप टू कंटिन्यू टू समथिंग, मतलब सॉरी होल्ड डाउन का मतलब होता है कि टू मेंटेन सम वंस ग्रिप, मतलब किसी चीज को पकड़े रहना और उसको कंटिन्यू ही चलाते रहना, होल्ड ऑन होता है। और होल्ड डाउन का मतलब होता है किसी चीज को रोके रखना। ठीक है, जैसे इमोशन, इमोशन का हम रोके रखते हैं, किसी से बात करते हैं तो होल्ड डाउन वो वर्ड यहाँ पे यूज होगा। होल्ड बीट मतलब होता है, ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, होल्ड डाउन मतलब होता है अपने इमोशन को रोके रखना, टू प्रिवेंट टू लिमिट, लिमिट तक। और होल्ड ऑन का मतलब होता है रोक के तो रखना, पर उसको कंटिन्यू करना कोई काम को, तो मेंटेन वंस ग्रिप, किसी काम पे पकड़ को कंटिन्यू टू मतलब कंटिन्यू आगे करना। ठीक है,
होल्ड विद होता है अप्रूव ऑफ, एग्री विद मतलब सहमत होना, होल्ड विद मतलब होता है सहमत होना। हंट डाउन मतलब होता है ज्यादा शिकारियों के यूज में होता है, जैसे किसी चीज को सर्च करना, सर्च और उसको खोज निकालना, उसको हंट डाउन करते हैं। जैसे ये आपने देखो सर्चिंग एंड चूजिंग मतलब उसको सर्च किया, जैसे स्टोरियों में आ सकता है क्लियर लेवल पे, तो आप ये याद रखोगे। मैं अगला, मैं आपको दो इडियम्स बता देता हूँ। पिंक स्लिप, पिंक स्लिप क्या होती है, देखो ये पिंक कलर की स्लिप है, पर ये क्या टर्मिनेशन ऑर्डर है, किसी को जॉब से निकाला गया है, तो टर्मिनेटेड नोटिस रिसीव फ्रॉम जॉब, तो पिंक स्लिप को आप ये भी बोल सकते हो, किसी को सस्पेंड किया है तो जो लेटर दिया जाता है उसको पिंक स्लिप बोलते हैं, गुलाबी कलर की स्लिप नहीं होती। और कोल्ड फीट कैसे याद करोगे, कोल्ड फीट मतलब होता है जैसे नर्वस जस्ट बिफोर इवेंट, कोई भी इवेंट इवेंट होता है और हम भाषण देने जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं ना, तो कोल्ड फीट इसका मतलब होता है। आप इसको ये आ सकते हो, जैसे आदमी के बर्फ में पाँव, ऐसे हाथ पाँव ठंडे हो गए ना, तो हम बोलते हैं ना मेरे पाँव ठंडे हो गए, हाथ पैर ठंडे हो गए, हिंदी में बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, कोल्ड फीट मतलब पाँव ठंडे होना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और हाँ ये कल तक के लिए, आगे की वीडियो देखने के लिए कल तक मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं कल, जय हिंद।